जैसे आपका वीक बेस और वीक एसिड है, इसका एग्जांपल आपका जैसे अमोनियम एसिटेट हो गया, इसमें आपने वाटर डाला, तो आपका एसिटिक एसिड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी आपका वीक है, ये भी आपका वीक है। तो आपने जो है इसको तोड़ लेना है, इसमें ये बन जाएगा आपका एक्सप्रेशन। तो के एच इज इक्वल टू और यहाँ पर और भी आपके जो है होंगे, जैसे वाटर आपका आपने जो है इसको इक्वेशन वन मान लिया, इसको इक्वेशन टू मान लिया, इसको इक्वेशन थ्री मान लिया, इक्वेशन तो आपको कुछ भी करके इन इक्वेशन में जो है आपको वन लाना। तो वन लाने के लिए आपने क्या करा, वन में मल्टीप्लाई कर दी थ्री इंटू फोर की, डिवाइड बाय आपने टू कर देंगे तो आपका वन है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका के एच इंटू के ए इंटू के बी डिवाइड बाई के डब्ल्यू इजिकल्स टू वन, यानी आपका फार्मूला भी आ जाएगा के एच इजिकल्स टू के डब्ल्यू ओवर के इंटू के। तो ये आपका फार्मूला तैयार हो। तो अब हमारे को डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को कैलकुलेट करना है और इसकी कंसंट्रेशन यदि सी है, इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन हम टी बराबर जीरो पर मान सकते हैं, जीरो या जीरो एट इक्विलिब्रियम। तो ये आपका सी वन माइनस एच बचेगा, दिस इज सी वन माइनस एच, दिस इज सी एच, ये भी कंसंट्रेशन होगी यहाँ पर। तो आपने इसके लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया कि एच इज इक्वल टू वैल्यू रख दिया आपने के एच में, सी से सी कैंसिल हो गया, ये सी से ये सी कैंसिल हो गया, तो के एच सी का क्या आ गया आपका एच स्क्वायर वन माइनस एच का होल स्क्वायर। यदि वन माइनस जो एच है आपका लेस देन वन है तो वन माइनस एच को आप वन मान सकते हैं, वन माइनस एच को स्क्वायर को भी आप वन मान सकते हैं। तो आपका रिलेशन क्या बन जाएगा, पी एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के एच, यानी कि आपका फार्मूला क्या तैयार हो जाएगा, इज इक्वल टू के डब्ल्यू ओवर के इनटू के स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूले में बड़ी सिग्निफिकेंस है और फार्मूलों से, जैसे और फार्मूलों में आप देखोगे जो पी एच टी या एच का
इनके बादलों में सी आ रहा था, कंसंट्रेशन आ रही थी, और यहाँ पर सी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस की जो डिग्री है वो कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट रहेगी, वहाँ पर डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू सी के साथ। तो यहाँ पर आपकी एच जो है वो डिपेंड नहीं करेगी, चाहे आप सॉल्यूशन की सॉल्ट की कोई भी कंसंट्रेशन ले। तो अब जो हम आगे पीएच कैलकुलेट करेंगे, तो पीएच निकालने के लिए हमारे को जो है एच आई एल सी कंसंट्रेशन चाहिए होगी। एच आई एल आपके कहाँ से आएंगे, एसिटिक एसिड से आएंगे। तो एसिटिक एसिड का आप बना लीजिए एक्सप्रेशन, आपका यानी कि आपका के वस्तु आपका ही हो जाएगा, और एच आई एस वस्तु CH3CO अच्छी कंसंट्रेशन क्या है CH, और इसकी कितनी है C आपकी 1 माइनस H। C से C कैंसिल और 1 माइनस H को हमने 1 रख लिया, तो HNC का क्या आ जाएगा आपका K into H। आपने H की वैल्यू रख दी, K into क्या बनेगा आपका KW over K into KB। तो आपने जब यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे इसका स्क्वायर रूट उसको अंदर ले जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो HIN is equals to KA into square KW over K into KB, स्क्वायर से ये कैंसिल, तो आपका HIN is equals to क्या आ जाएगा KA into KW over KB power 1/2। तो इसका माइनस का लॉग ले लें पीएच निकालने के लिए, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग आपका KA into KW over KB। तो ये आपका जो है माइनस लॉग KW और 1/2 पावर माइनस 1/2 पी के डब्ल्यू का ये जो आपका प्लस हो जाएगा ठीक, और ये क्या बन जाएगा आपका माइनस का लॉग के प्लस पी के 1/2, ये क्या बन जाएगा आपका माइनस पी के बी 1/2 ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी पी एच का फॉर्मूला बन जाएगा 7 प्लस आप पी के माइनस पी के, ये आपका फार्मूला तैयार हो जाएगा इस पर। तो आपका जो वीक बेस और वीक एसिड का सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये डिपेंड करेगा कि पीके की वैल्यू ज्यादा है कि पीके बी की वैल्यू ज्यादा। यदि पीके ज्यादा है तो आपका सॉल्यूशन जो है वो बेसिक होगा, और यदि आपकी पीके बी की वैल्यू ज्यादा है तो आपका सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा ठीक है। तो आपको देख आप ये जानते हैं कि भाई यदि पीके की वैल्यू ज्यादा है के की वैल्यू क्या होगी कम, ठीक है ना, इनमें इनवर्सली का रिलेशन होता है, पीके वैल्यू जितनी कम होगी सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा एसिडिक। तो इसके बेस पर मतलब आईडी में बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं और इजी चीज आती है जिनको बड़े इजीली आप लोग हमसे कर सकते हैं। बस आपको ये डेरिवेशन ध्यान आना चाहिए, फॉर्मूले समझ में आने चाहिए, और उसके बाद जो आपको फॉर्मूले बस वैल्यू रखनी होती है और आंसर आपका फटाफट। और इसके साथ आपको बफर सॉल्यूशन के साथ और इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, बफर सॉल्यूशन कहाँ पर बनेगा कहाँ पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा, ये यदि आपको डिसीजन करना अच्छे से आता है तो आप बड़े आराम से आईडी के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट द पीएच ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर अमोनियम फॉर्मेट अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, और आपका जो है 1 मोलर अमोनियम
ऐसी फॉर्मेट पीके ऑफ फॉर्मिक एसिड 3.8 पीके बी ऑफ अमोनिया दैट इज 4.8। तो इसमें आपको सॉल्यूशन की पीएच निकालनी है। तो ये आपका एक वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। इनकी पीएच का फॉर्मूला था 7+ ½ पीके ए माइनस पीके बी। ठीक है, इस सॉल्यूशन को देख के आप समझ सकते हैं कि भाई एसिडिक होगा या बेसिक होगा, क्योंकि पीके से कम है, यानी कि इसमें एसिडिक कैरेक्टर मोर होगा। ठीक है ना, तो एसिडिक कैरेक्टर मोर होगा तो पीके की वैल्यू लेस मोर। ठीक है, रिलेशनशिप होती है तो एसिडिक कैरेक्टर होगा ही होगा। तो अब आप यहाँ वैल्यू कर दें तो 7+ ½ पीके की वैल्यू कितनी थी आपकी 3.8 माइनस 4.8, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.5 और सॉल्यूशन आपका एसिड। तो इस क्वेश्चन में आपको हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन देखनी है H2S में, H2SO4 में, NaCl और NaNO2। तो H2SO4 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, और H2S वीक एसिड हो गया, NaCl न्यूट्रल सॉल्ट हो गया और NaNO2 आपका स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का सॉल्ट। ठीक है, तो आपका जो है इसमें जो पीएच है दैट वुड बी ग्रेटर देन 7, इसमें आपकी पीएच 7 रहेगी। ठीक है, और इसमें आपकी लेस देन 7 होगी, इसमें काफी ज्यादा लेस देन 7 होगी। तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा इसमें होगी मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद फिर H2S में, फिर इसमें, फिर इसमें। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन होगा कि NaNO2 में आपके सबसे कम एच आयन्स होंगे, क्योंकि वो एच आयन्स ज्यादा होंगे बेसिक के नेचर में, और चाहे आप इनकी पीएच भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशंस लगाकर तो इसकी सबसे कम होगी, और इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सबसे कम होगी, उसके बाद आपकी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। ठीक है, क्योंकि H2SO4 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें 10⁻⁻ -2×2 एच आयन्स हो जाएंगे। इसमें इसके KD के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे, KD के अकॉर्डिंग, और इसमें तो आपके सेम ही होंगे 10⁻⁻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